हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ट्यूनर। मैं हाजिर हूँ एक नया एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे घर बैठे रूम हीटर के लिए एक थर्मोस्टेट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देरी ना करके पूरा वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले देखना होगा क्या क्या सामान जरूरत होगा। ये एक थर्मोस्टेट है जो अमेजन में मिलता है, 650 का आसपास इसका दाम है, प्राइस है। ये यहाँ पर इन होता है, यहाँ पर आउट, मतलब यहाँ पर एसी 220 वोल्टेज इन होता है और यहाँ से आउट होता है। ये इसका सेंसर है। दूसरा, एक पीवीसी बॉक्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल बॉक्स, 6 इंच × 4 इंच। उसके ऊपर हम एक 16 एम्पियर का सॉकेट जोड़ दिया है और यहाँ पर 3 होल किया है मिडिल पर और 2 साइड में 2 होल किया है। इस यहाँ पर जो स्क्रू फिक्स्ड करने का जो प्लेस है उसको यहाँ पर फिक्स्ड करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं अंदर क्या है। एक्चुअली यहाँ पर जो थर्मोस्टेट है वो 10 एम्पियर का है, जो 10 एम्पियर 2000 वाट का रूम हीटर नहीं चलता है। इसलिए हम क्या किया है, एक एक्सटर्नल 30 एम्पियर का रिले हम यहाँ पर जोड़ दिया है। उसको ऑपरेट करने के लिए हम यहाँ पर एक SMPS 12 वोल्ट का SMPS जोड़ दिया है। इसका डायग्राम हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख लेना। और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो 3 वायर है, एक न्यूट्रल, एक फेज और एक ग्राउंड है। यहाँ पर रेड वायर को हम ग्राउंड में दे दिया, इसको यहाँ पर जोड़ना होगा, जो ग्राउंड है यहाँ पर जोड़ना होगा, ठीक है। और ये जो वायर है ये न्यूट्रल का है, हम यहाँ पर जोड़ देंगे। और जो इसका जो फेज है उसको हम रिले से बाईपास कर दिया है ऑन ऑफ करने के लिए। तो हम देखते हैं कनेक्शन करने के बाद। हम डिजिटल थर्मोस्टेट को यहाँ पर फिक्स्ड कर दिया है। ये इसका इनपुट करंट वायर है, इसका आउटपुट वायर है। इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये जो इसका ग्राउंड है, इसके साथ इसका जो ब्लैक वायर है इसको हम कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो फेज है, फेज का जो रिले का जो कनेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम यह कनेक्ट करेंगे। और ये जो 2 आउटपुट वायर है इसको हम SMPS के साथ कनेक्ट करेंगे। SMPS का जो इनपुट है 220 वाला, उधर से हम कनेक्ट करेंगे। और SMPS से 12 वोल्ट निकला रहा है उसको हम जो रिले है उसको साथ हम कनेक्ट करेंगे।
पूरा कनेक्शन रेडी है, हम देखते हैं कैसे कनेक्शन पूरा कंप्लीट हुआ है। ये 16 एम्पेयर प्लग है, जैसे हम कनेक्ट किया है, जो वायर आया है यहाँ पर आ गया है। इसका जो तीन वायर है, जो न्यूट्रल, जो फेस और जो ग्राउंड होता है, उसको हम यहाँ पर आया है। यहाँ से ये जो रेड वायर है, इसका डायमीटर कम है, इसलिए हम इसको ग्राउंड में दे दिया है। और जो ये वायर है, इसको न्यूट्रल में हम रख दिया है। और जो दूसरा तीसरा जो वायर है, इसको फेज वायर है। यहाँ पर 30 एम्पियर का रिले सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है, ये एक स्विच का तरह काम कर रहा है। ये जो डिजिटल थर्मोस्टेट है, यहाँ पर यहाँ से कनेक्ट हो गया है। यहाँ से नेगेटिव और न्यूट्रल गया है, और जो रेड वायर है हम यहाँ से कनेक्ट किया है। जो मेन फेस का जो वायर है, वहाँ से हम कनेक्ट किया है, ठीक है। उसका जो आउटपुट है, वहाँ से 220 वोल्ट निकल रहा है। यहाँ पर इसमें एक रिले है, वो जो स्विच की तरह काम कर रहा है, वो यहाँ से वो एस एम पी एस के साथ कनेक्ट है। और जो SMPS ये रिले को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। जो SMPS जब ऑन होगा, रिले भी ऑन होगा, तो वो जो स्विच सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। और जो SMPS जब ऑफ होगा, रिले भी ऑफ हो जाएगा और ये सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो इसको हम क्लोज करते हैं। और इसका जो सेंसर है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इसको हम इसमें ऑर्गेनाइज कर देंगे। रूमीटर से कनेक्ट करके देखेंगे जो टेम्परेचर कैसे रेगुलेट हो रहा है। ये जो मेरा थर्मोस्टेट हम अभी प्रिपेयर किया है, इसको हम 16 एम्पियर प्लग से हम कनेक्ट किया है। और इसके साथ हम मेरा जो रूम हीटर है, ये PTC रूम हीटर है, इसको हम कनेक्ट किया है। एक्चुअली रूम हीटर में क्या होता है, यहाँ पर दो नॉब होता है, नेचुरली यहाँ पर दो नॉब होता है, एक थर्मिस्टेट रेगुलेट करने के लिए और दूसरा है यहाँ पर ऑफ फैन 1000 वाट एंड 2000 वाट के लिए। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, जो थर्मिस्टेट होता है उसको आप टेम्परेचर में फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ये डिवाइस प्रिपेयर किया, इसमें क्या होगा, आपको टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में आप सेट कर देंगे, उस रेंज में ये ऑन ऑफ होगा। इसके पहले हम देखते हैं इसको हम सेट कैसे करते हैं। यहाँ पर अभी जो सेट है, इसमें ये जो पहला जो टेम्परेचर यहाँ पर शो कर रहा है 28.9, ये सेट एक्चुअली ये ही है कि यहाँ पर 28.9 से कम होगा तो वो स्टार्ट चालू हो जाएगा। और ये जो कट ऑफ जो टेम्परेचर है 34 है, तो हम इसको क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग जो टेम्परेचर है उसको हम डाउन में कर देंगे। कैसे, स्टार्टिंग टेम्परेचर, इसको ज़ोर से 2 सेकंड प्रेस कीजिए, तो यहाँ पर प्रेस कीजिए, आपको इसको सिक्स में रख दीजिए। मतलब क्या हुआ, 26 में से नीचे आएगा तो आपका जो थर्मिस्टेट
चालू हो जाएगा और जो काट ऑफ टेम्परेचर उसको हम थोड़ा डाउन करेंगे। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है 34, इसको हम डाउन करेंगे। प्रेस कीजिए, इसको हम 36.5 कर देंगे। इससे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो 36 से 36.5 इसमें रहेगा। तो हम देखते हैं अभी क्या है टेम्परेचर इसका, और ये इसका सेंसर है, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, जो रूमीटर का जो थर्मोस्टेट है उसको हम मैक्सिमम कर दीजिए। देखिए रूमीटर चालू हो गया है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको जो टेम्परेचर सेंसर है इसको हम यहाँ पर हम मेरा एक कस कीजिए, देखिए 28 बॉडी। इसलिए जो हम टेम्परेचर सेट किया है 26.5 उससे ज़्यादा हो गया, इसलिए जो मेरा जो रूम हीटर है ऑफ हो गया। जब हम देखेंगे जब टेम्परेचर 26 से कम हो गया हो जाएगा तब रूम हीटर चालू हो जाएगा। तो हम देखते हैं टेम्परेचर कम हो रहा है, देखिए 26 आ गया है और यहाँ पर लाइट भी जल गया है, यहाँ पर लाइट भी जल गया है, ठीक है। इस तरह रूम का टेम्परेचर जब 26.5 से ज़्यादा होगा सेंसर में सेंस करेगा तो ऑटोमेटिक वो जो रूम हीटर है वो ऑफ हो जाएगा। इस तरफ ये टेम्परेचर रेगुलेटर रूम टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें। तो देखा होगा नेक्स्ट कोई वीडियो में। थैंक यू।